नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने वर्तमान की कांग्रेस सरकार की नीतियों के ऊपर एक साल का अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार खनिजों को संरक्षित करने के लिए तथा उनके सही उपयोग के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भविष्य में आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश शासन की योजना है कि माफियाओं से खनिजों के बचाव के लिए खनिज बाहुल क्षेत्रों में राज्य के सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही साथ विभिन्न तरीके से एक साल के अंदर किए गए कामों का पूरा बखान मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के द्वारा किया गया और साथ ही आने वाले दिनों में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी खनिज मंत्री ने स्पष्ट तौर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हमारे सेक्रेटरी परमार जी, डायरेक्टर हमारे संचार हमारे राष्ट्रीय जी और उपस्थित हमारे एक वर्ष जो आशा रहा है हम लोग सभी जानते हैं कि इसके बोर्ड का विभाग किस तरह से चला, क्या गलतियाँ रही और महत्वपूर्ण मुद्दा बना। उसके बाद जो धंधा हुआ तो हमारे साथ अपेक्षाएं बहुत सारी थी। खरीद साधन विभाग एक ऐसा विभाग जो चुनौतीपूर्ण था, हमको बचना भी है, काम भी करना, बहुत चुनौतीपूर्ण था। लेकिन उसके बावजूद हमने जैसा कहा था कि 15 साल का जो नेटवर्क चल रहा है उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए नया नेटवर्क बनाने में कम से कम 15 महीने का समय लगेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और सभी आम जनता के सहयोग से, उनके सुझाव से, हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमने 11-12 महीने में इसको लाइनअप करने का जो किया सफलता मिली हमको। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमने सब अनुभव को देखते हुए हमको जो समझ में आया, हमने दो नीतियां बनाई। पहले ये होता था खनिज भाग मतलब रेत को माना जाता था, पूरे देश में अल्लाह होता था सिर्फ रेत। लेकिन हमने दिखाया कि सिर्फ रेत आदि खनिज भाग नहीं होता। आज हमने रेत की नीति अलग बनाई है और खनिज नीति अलग बनाई और उसका परिणाम आपने 11 महीने देखा कि हमने 11 महीने के अंदर पूरा लाइनअप करके सैंड में रेत में जितना लूट था, पहले खनिज भाग को एक प्राइवेट सेक्टर के रूप में उपयोग किया गया और रेत का सारा पैसा जो सरकार के और खनिज माफिया के जेब में खरीदने से करवाया, जिसको मौका मिलता था छोड़ देना था प्रदेश में, उसको जो टेंडर नहीं दिया पहली बार और लगभग 15 महीने सुनिश्चित हो गया। और उसका परिणाम है कि अभी हमने जो टेंडर किया, जहाँ आप समझ सकते हैं कि 5 गुना अंदर राजस्व बढ़ाने का काम किया और इससे ये भी आप अंदाजा ला सकते हैं कि उसी तरह से हमने एग्जीबिशन का अवसर सेंटर बनाने का निर्णय लिया हमने, ताकि बाहर के व्यापारी वहां पर आए, उसकी कटिंग पॉलिसी वहीं पर हो, ताकि हीरे की कीमत हमको पिछले 7-8 वर्षों से खाली पड़ा था, आज हमको लाइन अप करके सभी हमारा टेंडर हुआ और बुंडला ग्रुप ने उसका टेंडर लिया। अब ये भी आप जानते होंगे कि वहां पर देश के बड़े बड़े कंपनियों ने हिस्सा लिया और उसका अच्छा कॉम्पिटिशन हुआ। आज उसकी हमको जो अनुमान लगता है क्योंकि 2 वर्ष की अवधि ने दी है, फॉरेस्ट की अनुमति लगती है, पर्यावरण की अनुमति लगती है, उसके बाद हमको आने वाले 2 वर्षों के पश्चात हमको जो उम्मीद है कि लगभग 700-800 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सरकार को वहां से भी प्राप्त होगा। उसी तरह से प्रदेश के अंदर जितने करोड़ खरीज पाए जाते हैं हमने उसकी नीति बनाई। अभी तक इसकी कोई नीति नहीं थी, लेकिन माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर हमने निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने ऐसी पॉलिसी बनाई कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर निवेश करेगा उसको निजी भूमि में अगर कोई काम करता है तो उसको रॉयल्टी पर 15% बढ़ाकर हम सीधे उसको पट्टा देंगे, जो 25 करोड़ रुपए कम से कम यहाँ होता है, 25 करोड़ या उसके ऊपर, उसमें भी अच्छे परिणाम हमारे पास आने लगे। लोग आज हमारे पास आवेदन आने लगे कि भैया नई पॉलिसी के अंतर्गत आवेदन को लगाना है। हमारी नई जो खनिज पॉलिसी है, पानी जो पॉलिसी बनी है वो मंत्रिमंडल से पास हो चुकी है, विधि विभाग से पास हो चुकी है और वित्त विभाग से भी अनुमोदित हो चुकी है। शीघ्र उसको भी हम साथ जाएंगे और उसके माध्यम से ये निश्चित समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग निवेश करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं और यही जो छिंदवाड़ा मॉडल है कि जब निवेश होगा, कोई काम होगा
तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार को राजस्व मिलेगा। उस नीति के अंतर्गत भी हमारा जो अनुमान कहता है कि आने वाले वर्षों में जिस तरह से रेत में पांच गुना हमने महत्वपूर्ण उपलब्ध रहेगी, इसमें हमने ये भी प्रयास किया है कि रेत में आज पुराने जितने लोग बहुत से लोग शंका करते थे कि पुराने जितने लोगों ने पैसा कमाया अपने बुजुर्ग बड़े लोग काम लेते हैं, लेकिन आपको हर जिले में अलग अलग टेंडर हुआ है। जिस तरह से आपसी कॉम्पिटिशन का भी अनुमान निश्चित रूप से इसमें है और हम इसके बावजूद हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी किसान अपना निजी मकान बनाना चाहता है या हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मकान बना रहे हैं या प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास के अंतर्गत मकान बनाने वाले लोग हैं, स्वच्छता अभियान का इससे उनको प्रभाव न पड़े। जी नीति खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।